नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार पॉजिटिव खबर में। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच जो प्रवासी मजदूर लगातार क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, जो दरभंगा के कलेक्टर हैं, दरभंगा के डाकघर है, लगातार बेहतरीन काम कर रहा है। आपको बता दें इसी कड़ी में दरभंगा के 18 प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी श्रमिक मजदूरों का डाक विभाग के द्वारा IPPB के तहत 0% पर खाता खोला गया है। आपको बता दें अभी तक TPS स्कूल में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में अभी तक 25 खाता खोला गया है। डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद का कहना है कि IPPB के तहत जो क्वारंटाइन में रहने वाले श्रमिक मजदूरों का खाता खोला जाएगा, उसमें सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ का पैसा उनके खाते में सीधे चला जाएगा, जिसका लाभ प्रवासी मजदूरों को आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह सराहनीय कार्य है जो सभी लोगों को मिल रहा है। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरभंगा पब्लिक स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर से ये विशेष खबर आप देख जाइए। तब तक अभी आदमी अपना आधार कार्ड और मोबाइल साथ में लेके आइए। एक एक करके जिन आइएगा वहाँ पर आ जाइए। आप इधर आ जाइए। एक आदमी आधार कार्ड लाए हैं? आइए तो वहीं रहिए। उसको पूछ दीजिए तो उसमें लगा। कहाँ से आए हैं? सीसो के बारे में। चेन्नई के आए? चेन्नई से आए हैं। सीसो जाना है? अच्छा, कहाँ, कौन ब्लॉक पड़ता है? सीसो पड़ता है। सीसो, ठीक। मुंबई से आए हैं। क्या नाम है? कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कहाँ जाना है? बसेला। पूरा नाम? कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मुंबई से कहाँ जाना है? सारा मोहनपुर। अच्छा, मुंबई में क्या करते हैं? लेबर क्लास। और वहाँ आपका कोई खाता नहीं था? अच्छा। क्या नाम है? कपेश्वर यादव। कहाँ से आए हैं? मुंबई से। अच्छा, कहाँ जाना है? आधार कार्ड से खुलवाए खाता? केवल आधार कार्ड लगा है, क्यू आर कोड से भी होता है और मोबाइल नंबर भी आवश्यक होना चाहिए। तो मतलब खाता खुलवाने के लिए खुलवा लिए, आगे के लाभ के लिए देखा जाए। से जेरोक्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार नंबर दीजिए और मोबाइल नंबर दीजिए, उससे आपका खाता खुल जाएगा। उससे लाभ ये मिलेगा कि आपका जो खाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप पैसा का निकासी, पैसा का जमा भी करवा सकते हैं अपने अकाउंट में। और जो भी स्कीम है भारत सरकार का, सब्सिडी है, या आपका मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिक बिल जमा करना चाहते हैं, या किसी भी अदर बैंक के अकाउंट में पैसे का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो आप IPPB खाते के माध्यम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पूरी तरह से बैंकिंग सुविधा है। दरभंगा पब्लिक स्कूल पर क्वारंटाइन सेंटर में IPPB का खाता 0 बैलेंस से खोलने के लिए आया हुआ। हम लोगों का, DM साहब का संयुक्त पहल था कि जो वहाँ मजदूर हैं उनका पैसा आने वाला है, सरकारी सहायता आने वाला है, और उन लोगों का कोई बैंक में खाता नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा
कि उनका बैंक में खाता में उनके खाते में पैसा आ जाए, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। और ये क्वारंटाइन सेंटर जितने हैं आज इसकी शुरुआत की गई है, हर जगह हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी मजदूरों का खाता खुल जाए जो प्रवासी मजदूर। दूसरा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे संचार मंत्री प्रेरणा के स्रोत हैं, और हमारे चीफ PMG बिहार, उनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर समाज सेवा से लेकर राष्ट्र सेवा से लेकर और विभाग में हमारे सभी डाकिया कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक, हमारे डिविजनल ऑफिस के टीम पूरी तरह लगे हुए हैं, सेवा भाव से, समर्पण भाव से पूरा मेहनत कर रहे हैं। ये जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं, हम लोगों ने कल हर एक जगह अपने ब्रांच पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर लहरियासराय दरभंगा HO को हम लोग वो जो DM साहब से लिस्ट प्राप्त हुआ था उसके मुताबिक हर एक पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर हैं, हर एक ब्लॉक में है, तो हर जगह हम लोगों का या तो हम लोग जाके खोलेंगे, नहीं तो हमारे जो शाखा डाकघर उप डाकघर के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जाकर खोलेंगे। अभी हम लोग 23 आदमी का खोलने जा रहे हैं, 12-13 आदमी का खोले हैं, जो अभी कर्मशाह जारी है, और ये जब तक सारे मजदूर का वहाँ नहीं खुल जाएगा प्रवासी मजदूर का, तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। ये मजदूर कई जगह के हैं, बॉम्बे से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, लेकिन अभी यहाँ रुके हुए हैं, जो 3-4 दिन पहले से हैं। कई ने बताया कि 19 तारीख से हैं, कई ने बताया 14 तारीख से। जी, हमारा 10 आदमी का टीम है जो बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। इस परिस्थिति में भी हमारे